हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लादी पाव, जिसे आप बिना ओवन के कढ़ाई में ही बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ईस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए आधा कप गरम दूध में 1 चम्मच चीनी और 1.5 चम्मच ईस्ट को मिलाकर 10 मिनट के लिए ढककर गर्म जगह पर छोड़ देंगे। ईस्ट तैयार है, आप देख सकते हैं ऊपर बुलबुले नजर आ रहे हैं। अब अगला स्टेप है डो बनाना। डो बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है, 1 छोटी चम्मच नमक और 1 बड़ी चम्मच तेल और तैयार किया हुआ ईस्ट मिलाएंगे। इसे आधा कप दूध मिलाकर 5 से 6 मिनट तक गूंथना है। शुरू में डो स्टिकी होगा, तो बीच बीच में हाथ पर बटर लगा के आप इसे गूंथ सकते हैं और 5 से 6 मिनट गूंथने के बाद आप देखेंगे कि पूरा पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये डो तैयार हो गया है। इसे ढककर 1.5 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे या जब तक ये डबल ना हो जाए फूल कर। आप देख सकते हैं 2 घंटे के बाद ये डो डबल हो गया है। इसे हाथ में थोड़ा तेल या बटर लगाकर इसे थोड़ा और गूंथेंगे। अब डो को 6 भाग में काट लेंगे। कटे हुए टुकड़ों को इस तरह शेप देकर ट्रे में रखना है। टुकड़ों के बीच में जगह छोड़ेंगे, बाद में फूल जाएगा। ऊपर थोड़ा तेल लगा देंगे। अब ट्रे को ढककर फिर से 2 घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। सर्दी और गर्मी के मौसम में पाव का फूलने के समय में अंतर हो सकता है। आप देख सकते हैं ये पाव बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसे करेंगे कढ़ाई में बेक। कढ़ाई में बेक करने के लिए कढ़ाई में नमक डालकर 3 से 4 मिनट के लिए गर्म करेंगे। इसमें एक स्टैंड लगाकर ट्रे रख देंगे और 10 मिनट के लिए करेंगे बेक। 10 मिनट के बाद तेल लगाकर 30 मिनट और बेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से बेक हो चुका है। अब ऊपर से इसे ग्रीस कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसे आप पाव भाजी या मिसल पाव के साथ खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।